subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस के घर में हुई जबरदस्त वाली लड़ाई जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलाय की। एक फोन कॉल होता है कॉलर ऑफ द वीक का और उसके बाद हो जाती है लड़ाई, झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि रुबीना दिलायक जो है, लोगों का कहना यह भी था, लोग कहते हैं कि एक फोन कॉल पे लड़ाई हो गई लेकिन बातें तो दिल में पहले से थी। कॉलर ऑफ द वीक पूछता है कि अभी भी आप जैस्मिन भसीन के ऊपर ट्रस्ट करते हो? तो रुबीना दिलायक कहती हैं कि अब उतना ट्रस्ट नहीं रहा है। लेकिन जैस्मिन भसीन हैरान होती है क्योंकि उससे पहले टास्क में भी रुबीना दिलायक जैस्मिन भसीन की तरफ से खेल चुकी हैं। तो जैस्मिन भसीन कहती है कि मुझे पहले सीधे बोल दिया होता, मुझे क्यों नहीं बोला। लेकिन रुबीना दिलायक यहाँ पे घर वालों के लिए नहीं, वो फैंस के लिए खेलती हैं। रुबीना दिलायक को पता है कि किस मौके पे मेरे फैंस को क्या चीज चाहिए और किस मौके पे मेरे फैंस को क्या चीज पसंद आएगी। ये रुबीना दिलायक भली बनती जानती है दोस्तों, ये बात क्लियर कर समझ में आ गई है। इसी के लिए रुबीना दिलायक की फैंस को ये चीज भी पसंद आई। और हमने जब पोल किया कि रुबीना दिलायक और जैस्मिन भसीन की लड़ाई में हु वाज रॉन्ग, गलत कौन था, तो आपको ये जान के जोर का झटका लगेगा कि फैंस ने कहा है कि जैस्मिन भसीन गलत थी। यानी कि 67% लोगों ने कहा है कि जैस्मिन भसीन गलत थी, मात्र 33% लोगों ने रुबीना दिलायक को गलत ठहराया है। यानी कि 67% लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे रुबीना दिलायक गलत थी। रुबीना दिलायक की पिच है तो है, उनकी आवाज ऐसी है तो क्यों अपनी आवाज चेंज करें, क्यों बदलें, तो उनको नहीं ट्रस्ट है, ऐसा फैंस का कहना है। तो आप सभी का ही कहना है, फिर भी जिन्होंने उस पोल में शिरकत नहीं किया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सचमुच आपको लगता है कि जैस्मिन भसीन ही गलत थी और रुबीना दिलायक है सही। तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।